और देखिए जोशीमठ आपदा पर थोड़ी देर में हाई लेवल मीटिंग की खबर है। फाइनेंस से जुड़े कई मुद्दों को लेकर की ये बैठक बताई जा रही है। पीड़ितों के मुआवजे की रकम पर चर्चा होनी है। शासन के बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। सर्वे रिपोर्ट पर भी समीक्षा की जाएगी। तो देखिए जोशीमठ पर ये बड़ी अपडेट आपको बताएं कि थोड़ी ही देर में हाई लेवल मीटिंग है और इस मीटिंग से बहुत सारी दशा और दिशा पर कोई अपडेट आ सकती है, मान करके देखा जा रहा है, क्योंकि फाइनेंस से जुड़े जो मुद्दे हैं उसे लेकर के बैठक बुलाई गई है। पीड़ितों को मुआवजे की रकम जो देनी है इसे लेकर भी पीड़ित जो है उनको और प्रशासन के बीच सहमति कहां आकर के बनती है इस पर चर्चा होगी। शासन के कई बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे और सबसे अहम सर्वे की जो रिपोर्ट है वो इसमें शामिल होगी, उस पर समीक्षा की जाएगी। यानी कुल मिलाकर के ग्राउंड पर जितनी चीजें हैं उन्हें सब रिपोर्ट में इकट्ठा किया गया है और यहाँ के रहवासियों का फ्यूचर क्या होगा इसी पर चर्चा होगी। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आइए इस बैठक को लेकर के किस तरीके की बातें चल रही हैं, क्या है इनसाइड अपडेट, समझेंगे हमारे सहयोगी पंकज राणा से सीधा जुड़ते हैं। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, इस मीटिंग को लेकर के देखा जाए तो कई पहलुओं पर चर्चा होनी है और ये सभी के सभी पहलू वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। किस तरीके के इनसाइड अपडेट है इस मीटिंग को लेकर के? इसने तो देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर रोज जो जोशीमठ में आपदा आई है उसको लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो अलग अलग कार्यक्रम व्यवस्थे, कल 26 जनवरी का कार्यक्रम था तो 2 दिन से जोशीमठ कार्य को लेकर समीक्षा नहीं हुई थी। तो आज लगभग 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री इन कामों को लेकर समीक्षा करेंगे। उससे पहले जो परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम है वो एक स्कूल के कार्यक्रम में इसमें शामिल होंगे, परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद सीधे सचिवालय में पहुँचेंगे, उसके बाद जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। 3 महत्वपूर्ण चीजें जैसे आपने दर्शकों को बताई उनमें बड़ी महत्वपूर्ण चीजें रहने वाली है। एक तो ये कि एक अंतरिम पैकेज को लेकर सरकार मंथन कर रही है कि जोशीमठ के लोगों को लेकर एक अंतिम पैकेज राहत के लिए घोषित कर दिया जाए, तो उसको लेकर इसमें मंथन किया जाना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो संस्था है, जो केंद्रीय संस्था है, उसको सभी जो केंद्रीय 8 संस्थाएं वहां पर रिसर्च कर रही थी वो फाइनल रिपोर्ट बनाकर उन्होंने NDMNA को सौंप दी है और वो उस पर अंतिम मंथन करना है उसको, और उसके बाद ये जो रिपोर्ट है ये शासन स्तर पर आनी है, उस पर मंथन किया जाना है। तो इस रिपोर्ट में किस तरह के बेहतर बिंदु रहे हैं, जो तमाम संस्थाएं थी उन्होंने क्या रिसर्च की है, किस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आई है, भूदशा क्या हुआ और आगे हम जोशीमठ को बचाने के लिए क्या कुछ बेहतर उपाय कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर समीक्षा की जानी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जैसे आपने दर्शकों को बताई कि विस्थापन को लेकर एक महत्वपूर्ण बात चल रही है। पीपलकोटी में जो एक जमीन तलाशी गई है उसका वैज्ञानिकों ने निरीक्षण किया है कि वो रहने लायक है नहीं है, उसके अलावा क्या कैपेसिटी उस जमीन की है, कितने लोगों को वहाँ बचाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर मंथन किया जाना है। और साथ साथ ही जो प्री फैब्रिकेटेड मकान बनाए गए हैं लोगों को, उनका डमी प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है जोशीमठ में, तो उनमें किस तरह की चीज़ें रखी जानी है, कितने परिवारों को वहाँ पर रखा जा सकता है, सुरक्षित हैं या नहीं है, ये तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें आज इस बैठक में रहने वाली हैं। उसके साथ साथ ही क्योंकि जोशीमठ में देखिए जितने भी ऐसे परिवार हैं तकरीबन 900 परिवारों में दरारें आ गई हैं और तकरीबन लगभग 200 परिवारों को अलग अलग जगह शिफ्ट भी कर दिया गया, होटलों में रह रहे हैं, उन लोगों को होटलों में रहने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि कई कई परिवारों में 6-6, 7-7, 8 सदस्य हैं और वो एक एक दो दो कमरों में रह रहे हैं तो उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई पर को अलग प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सभी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस बैठक में जो शामिल की जानी है। और सबसे बड़ी बात रहे कि जो केंद्रीय 8 संस्थाएं इनमें अपना रिसर्च कर रही थी उसकी जो रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजी गई है आपदा प्रबंधन विभाग को, तो उसमें क्या चीज़ें रही हैं, उनमें क्या आगे बेहतर और किया जा सकता है और कैसे वहाँ पर जोशीमठ में जो भूदशा हो रहा है उसे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों पर मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे और डेली मुख्यमंत्री उसकी फीडबैक लेते हैं और उसके बाद आगे तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं। बिल्कुल पंकज, बहुत संवेदनशील स्थिति है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।